हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी टी एडवेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज आपके सामने मैं दो स्टॉक ऐसे ही लेकर आया हूँ जो मेरे हिसाब से मल्टी बैगर है और जिसके अंदर पूरी कैपेसिटी है कि मतलब आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ये यहाँ पर अपने स्टॉक्स के अंदर कम से कम 5 से 6 गुना यहाँ पे बढ़ने की कैपेसिटी रखता है ये स्टॉक्स। मतलब दो स्टॉक हैं, मतलब एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप का स्टॉक है और दोनों स्टॉक 100 रुपये के अंदर के स्टॉक्स हैं। तो मैं दोनों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप मेरी ये वेबसाइट जो है www.dtventure.in पे जाके मेरा डिस्क्लेमर देख लीजिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से रिसर्च और स्टडी निकाल के आपके साथ में शेयर करता हूँ, कुछ स्टॉक्स लेकर आता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप 5 से 10 हज़ार रुपये की SIP आप इसके अंदर कर सकते हो। तो पहला मेरा जो स्टॉक है यहाँ पर, ये स्टॉक है IDFC First, जो आप फेमिलियर भी है ये स्टॉक्स के साथ में। और यहाँ पर इसका जो रेट अभी चल रहा है 86-87 के आसपास का इसका रेट चल रहा है यहाँ पे, और इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 2019 के अंदर इसका जो सेल्स था, बैंकिंग का स्टॉक है इसलिए सेल्स का मतलब हो गया इंटरेस्ट अर्न्ड जो इसका था वो वहाँ पर था 12,200 करोड़, और 2023 के अंदर यहाँ पर 22,727 करोड़। अब जो चीज़ मुझे ये स्टॉक के बारे में अट्रैक्ट कर रही है और मैं ये जो देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये 4 से 5 गुना क्यों करेगा ये स्टॉक, वो ये है कि 2019 के अंदर इसका जो नेट लॉस था वो 1880 करोड़ का था और उसके बाद में 2020 में इसका जो लॉस था वो 2800 करोड़ के आसपास का इसका लॉस था और 2023 के अंदर इसका 2500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दिया है इसके अंदर। तो मतलब ये स्टॉक के अंदर मतलब अगर मैं देखने जाऊँ तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये सारी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट मुझे देखने मिल रही है ये स्टॉक के अंदर और प्रमोटर के पास में। दूसरा जो फैक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया ये स्टॉक के अंदर ये है कि प्रमोटर के पास में हालांकि सिर्फ 40% के आसपास की होल्डिंग है, लेकिन FIS के पास में ये स्टॉक के अंदर कम से कम 25% के ऊपर की होल्डिंग है और DIS के पास में 10% के ऊपर की होल्डिंग है। तो जहाँ पर FIS की होल्डिंग यहाँ पर अगर 25% अगर दिखाई दे रही है और अगर स्टॉक अगर प्रॉफिट के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है कंपनी ने और अगर आने वाले 1-2 साल के अंदर अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट अगर प्रॉफिट जनरेट करती रही बैंक, तो फिर आपको ये आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये स्टॉक जो 85 का चल रहा है कम से कम 400 से 500 की रेंज में आपको ये स्टॉक देखने मिलेगा। दूसरा जो स्टॉक है मेरे पास में वो स्मॉल कैप का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इज माई ट्रिप करके स्टॉक का नाम है। 39 रुपीज़ का रेट चल रहा है इसका, 52 वीक हाई था 69 के आसपास में और लो जो था 37 के आसपास में था। मतलब ऑलमोस्ट आप समझो कि मोटा मोटी आपको 52 वीक लो के आसपास में ये स्टॉक मिल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप 6,885 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जो सेल्स इसकी थी 2019 के अंदर वो इसकी सेल्स थी यहाँ से 101 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, अब जो है 2023 के अंदर 430 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स है। क्योंकि आप देख सकते हो तरह तरह पे मतलब कहीं पे वैकेशन का तो जैसे कि कोई क्रेज़ बन गया हो, मतलब हर जगह पे मतलब बुकिंग्स ये वो हर जगह होटल्स हो या रिसोर्ट्स हो हर जगह फुल जा रहे हैं। तो मतलब अगर इन्होंने अपने मैनेजमेंट के अंदर या वर्किंग पैटर्न के अंदर कुछ भी अगर चेंज किया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर सेल्स में तो आपको यहाँ पर नंबर्स के अंदर फ़र्क दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिवली, प्रॉफिट के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो 2019 के अंदर इसका 29 करोड़ का प्रॉफिट था और 2023 के अंदर इसका 146 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। यहाँ पर अगर प्रमोटर्स की मैं बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग 65% की प्रमोटर होल्डिंग है और FIS और DIS की होल्डिंग यहाँ पर 2.5% के आसपास की है। भले ही यहाँ पर FIS और DIS की होल्डिंग 2.5% के आसपास हो, लेकिन यहाँ पर जो हिसाब से कंपनी जो इम्प्रूव कर रही है अपने बैलेंस शीट को, वो हिसाब से मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर 37-39 के आसपास में एक छोटी सी SIP बनाने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टॉक कम से कम 150 पार करने की कैपेसिटी रख रहा है अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट देते गया। तो आप मेरी तरफ से ये दो मल्टी बैगर स्टॉक है जो अपने स्क्रीन पे लगा के रखिए, छोटी सी 3, 5, 10 हज़ार रुपये की जो भी आपको ठीक लगे वैसी SIP बना के चलिए। अगले कुछ भी वीडियो के अंदर जहाँ पर मुझे लगेगा कि ऐसा कोई भी स्टॉक मेरे पास है तो एक छोटी सी SIP करने के लिए मैं आपके पास में वापस वो स्टॉक्स को लेकर आऊँगा। यस, डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूर ना भूलिएगा www.dtventure.in। अगर पसंद आया मेरा व्यू, मेरे कॉल्स, मेरे SIP स्टॉक्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल YouTube चैनल पे DT Venture।